सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक जाइंट एमरल्ड फार्म, वो भी अपने हार्डकोर वर्ल्ड में, जो कि मेरी जर्नी को बहुत ज्यादा इजी कर देगा। और ये फार्म प्रोड्यूस करता है अप टू 80,000 एमरल्ड्स, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा है। और हाँ, इस फार्म को बनाते वक्त मैं बहुत बार मौत को छू के टक से वापस आया। और गाइस, इस वाली वीडियो को बनाने में मुझे लगे 30+ आवर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ऐसे मजेदार कॉन्टेंट देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज। तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, पिछले वाले एपिसोड में मैं गया था एंड के अंदर और वहां मैंने मारा था एंडर ड्रैगन को और अपने लिए इलाइटर लेके आया था। और पिछले वाले एपिसोड के मैंने एंड में बोला था, लेकिन गाइस तुम लोगों में से जो भी सोच रहा है अब तो बस बोरिंग काम होने वाले सीरीज में, तो मैं बता दूं अभी तो स्टार्टिंग हुई है भाई पूरी सीरीज की। तो जैसा कि मैंने बोला था, एंडर ड्रैगन को मारने के बाद जितनी भी सर्वाइवल सीरीज की वीडियो होंगी वो बहुत ज्यादा एपिक होंगी। तो ये पहली वीडियो, तो आज की वीडियो में मैं बनाऊंगा एक एमरल्ड फार्म, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना आयरन फार्म की वजह से अभी मुझ पे एमरल्ड्स आ रहे हैं। तो एमरल्ड फार्म बनाने के लिए मेरे पास 3 डिजाइन है। सबसे पहली डिजाइन प्रोड्यूस करती है 3,000 एमरल्ड्स, जो कि काफी है। और दूसरी डिजाइन प्रोड्यूस करती है 60,000 एमरल्ड्स। भाई साहब, 60,000 बोलने में भी कितना ज्यादा लग रहा है। और तीसरी डिजाइन प्रोड्यूस करती है 80,000 एमरल्ड्स। भाई 80,000, कैन यू बिलीव इट। बस एक घंटे AFK हो जाओ, फिर जिंदगी भर बैठ के खाओ। लेकिन जो तीसरा वाला फार्म है वो बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टफ है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बिल्ड करने वाला हूँ सेकंड डिजाइन वाला फार्म। नहीं तो मैं क्या लगा, मैं ऐसा बोलूंगा मैं बिल्ड करूंगा भाई थर्ड वाला फार्म। इसलिए नहीं क्योंकि वो 20,000 एमरल्ड्स ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए क्योंकि वो बनाने में हार्ड है। और हार्ड चीज करने के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ पे वैसे क्यों देता हूँ मैं अपने आप को इतना दुख दर्द। तो जो थर्ड डिजाइन का फार्म है उसको बनाने के लिए चाहिए बहुत सारा सामान। और गाइस, मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि जो तीसरी डिजाइन वाला फार्म है वो अभी तक इंडिया में किसी ने भी नहीं बनाया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चलो, तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा इस फार्म को बनाने के लिए सामान। और इसके सामान की लिस्ट देख के तो भाई मुझे चक्कर आ गई, ये कितना सामान चाहिए जो मैंने आज तक नाम नहीं सुने उसको यूज करना पड़ेगा अब इस फार्म में। तो इस फार्म को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए ग्लास। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने घर के पीछे वाले समुंदर पे और हालत इसकी देख सकते हो भाई, मैं पहले से ही सारी सैंड इसकी ले जा चुका हूँ, लेकिन अभी भी इसमें काफी सैंड बची है। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ी सी मैं सैंड को माइन कर लेता हूँ। चलो गाइस, फाइनली मुझे जितनी भी सैंड चाहिए थी वो मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ से और ये शेल्टर बॉक्स में भर दिया। अब टाइम है दूसरा सामान कलेक्ट करने का। तो गाइस, मैं अभी देख रहा था सामान की लिस्ट के मुझे क्या क्या चाहिए और मैंने उसमें देखा कि मुझे स्टिकी पिस्टन भी चाहिए और मेरे पास तो बिल्कुल स्लाइम नहीं और मुझे कोई स्लाइम का चंक भी नहीं पता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट स्लाइम फार्म बना दूं। और उसको बनाने के लिए सामान ही कितना चाहिए, बस थोड़ी सी डर्ट चाहिए और कोबलस्टोन चाहिए जो कि मेरे पास पहले से पड़े हैं। तो गाइस, स्लाइम फार्म को बनाने के लिए थोड़े से मैग्मा ब्लॉक चाहिए थे जो कि मेरे पास नहीं थे, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ थोड़े से मैग्मा ब्लॉक्स कलेक्ट करने। तो गाइस, अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ी सी डर्ट, क्योंकि थोड़ी सी डर्ट की भी कमी पड़ रही थी, तो जल्दी से मैं यहाँ से थोड़ी सी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में मुझे मिल गई थी एक स्वयं बायोम, तो मैंने सोचा उसी स्वयं बायोम में इस फार्म को बनाऊंगा मैं। और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़े से और रॉकेट्स चाहिए, जिसके लिए मेरे पास पेपर नहीं है अभी, तो अपने शुगरकेन फार्म को चेक कर लेता हूँ। इतना भी बड़ा नहीं है पर एक स्टैक शुगरकेन तो आ जाना चाहिए। ओ भाई, चलो एक स्टैक शुगरकेन तो आया, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कुछ फार्म बनाया नहीं कि एक स्टैक शुगरकेन भी आ जाए। और हाँ, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि कोई मस्त सा नाम मेरे इलाइटर के लिए बता देना, तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा नेम सजेस्ट किए मेरे इलाइटर के लिए, लेकिन काफी सारे नेम कॉमन थे, तो मुझे मिल गया एक यूनिक नेम, गगन छाता। तो ये वाला नेम रखने वाला हूँ मैं अपने लाइटर का। और मुझे एक और नेम मिला था जिसका मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया भाई, वो भी बहुत अच्छा नेम था, मैं उसी को रखने वाला था लेकिन वो मिला नहीं वापस। तो अभी हम रखने वाले अपने इलाइटर का नाम गगन छाता। चलो, गगन छाता तो बनके एकदम रेडी हो चुका है। अब मुझे चाहिए थोड़ा सा गन पाउडर, जिससे मैं अपने लिए बना सकूं फायरवर्क्स। तो जितने भी फायरवर्क्स बनाने थे ड्यूरेशन 3 के, वो बनके एकदम रेडी हो चुके हैं। और अब टाइम आ चुका है स्वयं बायोम में जाने का। तो गाइस, फाइनली बहुत ज्यादा ट्रेवल करने का मैं आ चुका हूँ स्वयं बायोम में और यहीं पे मैं बनाने वाला हूँ वो वाला फार्म। तो बिना टाइम वेस्ट किए वो फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, मेरा स्लाइम फार्म बनके एकदम रेडी हो चुका है। इतना कुछ बड़ा खास मैंने स्लाइम फार्म बनाया नहीं, लेकिन इतना बना दिया कि मेरा काम हो सके इस फार्म से। और अभी इस फार्म पे मैं AFK चेक कर रहा हूँ कि कितना प्रोड्यूस करता है स्लाइम ये फार्म। चलो, अब चेक करता हूँ इसके अंदर कितना स्लाइम रखा है,
43 स्लाइम, चलो भाई ये तो सही है, मतलब जितना भी मुझे चाहिए था उतना तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, इतना ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। और वैसे मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं थी इस शाम से कि मैंने इतना बड़ा तो कुछ बनाया ही नहीं है। अब जल्दी से वापस चलता हूँ अपने बेस पर। तो गाइस मैं अपने बेस पर वापस आ चुका हूँ और अब मुझे चाहिए बहुत सारे आयरन के ब्लॉक्स, आयरन नहीं आयरन के ब्लॉक्स, और मेरे पास तो बिल्कुल ही आयरन नहीं है। तो अभी मुझे रहना पड़ेगा आयरन फार्म पे बहुत देर तक AFK, जहाँ से मुझे काफी सारी आयरन मिल जाए। तो गाइस मैं बहुत देर तक अपने आयरन फार्म पे AFK रहा और अब टाइम आ चुका चेक करने का कितनी आयरन आई। वैसे मैं पहले ही एक दो बार चेक करने आ गया था कि कितनी आयरन आई और उससे मैंने ब्लॉक्स भी बना लिए और अपने पास रखे हुए हैं और इनको भी ब्लॉक्स बना देता हूँ। और मेरे पास टोटल हो चुके हैं 4 stack और 45 ब्लॉक ऑफ आयरन। भाई बहुत ज्यादा मिल गए, अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है आयरन फार्म। अभी मैं कर रहा हूँ इन क्लेरिक से बहुत सारी रेडस्टोन की ट्रेडिंग, क्योंकि इस फार्म को बनाने के लिए बहुत 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 ज्यादा रेडस्टोन चाहिए अलग अलग चीजें बनाने के लिए। और हाँ, इस फार्म को बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए अब मैं उसको कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस इस फार्म को बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए था मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया, बस एक सामान रह गया जो कि है बीकन, जिससे मुझे मिलेगा रीजनरेशन का इफेक्ट। और चलो अब मैं दिखा देता हूँ जितना भी सामान मैंने कलेक्ट किया है इस फार्म को बनाने के लिए। तो देखो इस वाले सल्कर बॉक्स में मैंने सारे ग्लासेस रखे हैं और थोड़ी सी वुड और पिस्टन वगैरह है। इस वाले में सारे हॉपर्स और ऑब्जर्वर, रेडस्टोन लाइट वगैरह है। और इस वाले सल्कर बॉक्स में बहुत सारा रेडस्टोन और आयरन के ब्लॉक्स और बाकी बचा कोचा सामान। और अब टाइम आ चुका है नेदर फोर्ट्रेस में जाने का। तो गाइस मैंने ढूंढ लिया एक नया नेदर फोर्ट्रेस जो कि सोल सैंड बायोम में। तो ये सोल सैंड बायोम में, यानी यहाँ पे ज्यादा विदर्स स्पॉन होंगे, मुझे पता नहीं कैसे स्पॉन होंगे ज्यादा, लेकिन स्पॉन ज्यादा होंगे। हाँ तो अब मुझे क्या करना है, जल्दी से 3 विदर्स कल कलेक्ट करने हैं। तो फिर चलो विदर की मान लगाना स्टार्ट करता हूँ। चलो ये मार दे एक स्केलेटन और ये गया दूसरा। ओ भाई चलो गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है अपना पहला विद स्केलेटन स्कल इस वर्ल्ड का। और भाई मैंने बहुत सारे स्केलेटन मारे, एक बार चेक करता हूँ कितने सारे स्केलेटन मारे हैं। तो गाइस मैंने टोटल मारे हैं 41 विद स्केलेटन और उसके बाद कहीं जाके मुझे बस एक विद स्केलेटन का स्कल मिला है। भाई सोचो कितने ज्यादा विद स्केलेटन मारने के बाद पहला स्कल मिला है। तो चलो अब जल्दी से 2 स्कल और कलेक्ट कर लेता हूँ। 3 days later इन सारे विदर स्केलेटन को जल्दी से मार देता हूँ। ओ भाई उसने एक विदर स्केलेटन स्कल ड्रॉप कर दिया, चलो भाई मजे आ गए। चलो 2 विदर स्केलेटन स्कल तो हो ही गए, अब इसको भी मार देता हूँ। ओ भाई साहब, भाई इसने भी एक विदर स्केलेटन स्कल ड्रॉप कर दिया, मतलब 3 विदर स्केलेटन ने 2 स्कल ड्रॉप किए। भाई साहब क्या लक होगा, एकदम इंस्टेंट मुझे 2 स्कल मिल गए। चलो फाइनली मुझ पर 3 स्कल हो गए, वरना भाई मैं तो उम्मीद हार गया था बीकन बनाने की। अब जल्दी से चलता हूँ ओवरवर्ल्ड के अंदर और वहां जाके विदर को मारता हूँ। तो गाइस मैं ओवरवर्ल्ड में आ गया और मैंने थोड़ा सा नीचे माइन करके एक टर्नल बना दी और यहीं पे मैं विदर को स्पॉन कराऊंगा, वरना अगर ऊपर कराऊंगा तो वो थोड़ी तोड़फोड़ कर देगा। ये लगा देता हूँ उसके 3 स्कल और फाइनली विदर स्पॉन होने लग गया। और भाई पहली बार इस वर्ल्ड में फाइट कर रहा हूँ, थोड़ी सी धड़कन बढ़ चुकी है और अब जल्दी से इसको मारना है। तो ऐसा करता हूँ अपनी बो से सबसे पहले इसको डैमेज देता हूँ। ओ भाई बो से कितना तगड़ा डैमेज मिल रहा है इसको, एकदम स्पीड से इसकी हेल्थ जा रही है भाई साहब। चलो अब टाइम आ चुका अपनी सॉर्ड से मारने का, तो सॉर्ड से भी मारता हूँ। ओ भाई साहब सॉर्ड भी एकदम तगड़ा डैमेज दे रही है, जल्दी मर जा मर जा मर जा। चलो गाइस फाइनली विदर मर चुका है और उससे स्टार मिल गया। भाई मैं तो गोल्डन एप्पल लेके आ गया था, मैंने सोचा था अगर थोड़ी सी कम हेल्थ हो गई तो ये काम आएगा, लेकिन वो तो एक हटका भी डैमेज नहीं दे पाया मुझे टोटल। चलो भाई विदर को अब कभी भी मारना होगा तो इतनी आसानी से मार लेंगे। अब फाइनली बना लेता हूँ इस वर्ल्ड का पहला बीकन और इसको रख देता हूँ यहाँ पे। और अब कर लेता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट काम, थोड़ा सा सो जाता हूँ, इतने दिनों से सोया ही नहीं था मैं। तो गाइस फार्म बनाने के लिए मुझे जितना भी सामान चाहिए था मैंने सब कलेक्ट कर लिया, जिसको कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई। और अब टाइम है फार्म बनाने का, ये फार्म बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसको बनाने के लिए मुझे एक ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। तो ट्यूटोरियल कितना बड़ा, 1 घंटे 30 मिनट। ओ भाई मजाक हो रहा है, 1 घंटे 30 मिनट। तो गाइस मुझे इतना बड़ा ट्यूटोरियल ना देखना पड़े इसलिए मैंने अपने वर्ल्ड में लगा लिया एक मोड, जिससे मुझे ब्लूप्रिंट मिल जाएगा उस फार्म का। तो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आपको एक चीज दिख रही होगी, तो ये वही चीज है जिससे मैं बना सकता हूँ ब्लूप्रिंट उस फार्म का। तो मुझ पे एक दूसरा वर्ल्ड है जिसमें वो फार्म है और उसका मैंने ले लिया ब्लूप्रिंट और उसको पेस्ट करूंगा मैं इस वाले वर्ल्ड में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ उस वाली जगह पे जहाँ पे मुझे वो फार्म बनाना है और मेरे पीछे एक बड़ा सा ओशियन। तो हाँ ये वाला फार्म बनाऊंगा मैं एक ओशियन के ऊपर। तो सबसे पहले कर देता हूँ उस फार्म का ब्लूप्रिंट पेस्ट। तो जस्ट मुझे यहाँ पे लोड स्कीमेटिक करना है और वो हो जाएगा पेस्ट। मुझे जस्ट क्या करना है, इस फार्म के जितना भी ब्लूप्रिंट है उसी को फॉलो करते हुए ये पूरा फार्म बनाना है। तो या फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ।
तो गाइस अब तुम समझ गए होगे कि ब्लूप्रिंट से मेरा क्या मतलब था। जो जो मुझे ब्लॉक लगाना है और जितने ब्लॉक लगाने हैं सबका वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट आ रहा है यहाँ पे। जस्ट मुझे वहाँ पे वो ब्लॉक प्लेस करना है और ऐसे करके पूरा फार्म बना लूंगा। तो चलो फिर जल्दी से मिलता हूँ अब फार्म बनाने के बाद। Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes, I still lose. Comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. तो गाइस फाइनली बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब मेरा फार्म कंप्लीट हो चुका है। और मेरे पीछे देख सकते हो भाई कितने सारे हॉपर्स हैं, चेस्ट हैं, डिस्पेंसर, ड्रॉपर और पता नहीं क्या क्या है जो मैंने आज तक यूज़ भी नहीं किया, वो चीज़ें लगा रखी हैं। और इस फार्म को बनाने में सही में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक गोलम भी है जो कि मैंने रख दिया है। अरे मजाक कर रहा था, ये तो मॉब्स के भी ब्लूप्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे मुझे एक आयरन गोलम रखना और यहाँ पे रखना एक एवोकर। तो गाइस एवोकर को तो लाना तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन रख देंगे हम किसी भी तरीके से। तो गाइस अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और आप लोगों को दिखा रहा था अपना फार्म, लेकिन गलती से मैंने वो वाला बटन दबा दिया जिससे मेरी जो लाइव स्ट्रीम वाला चैनल है उस पर स्ट्रीम करता हूँ ना, तो बैक सून वाली ओवरले आ जाती है। भाई आधे घंटे की रिकॉर्डिंग गायब हो गई, लेकिन वो तो अच्छा मैंने उस रिकॉर्डिंग में ज्यादा कुछ किया नहीं था, बस फार्म ही दिखाया था। तो गाइस अब मैं बना रहा हूँ वो रास्ता जिससे मैं चार विलेजर्स और चार एवोकर को ऊपर ले जाऊंगा, तो रेलवे लाइन के थ्रू मैं उनको ले जाऊंगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी पड़ेगा। तो चलो फिर जल्दी से रास्ता बना देता हूँ मैं। तो बस फाइनली मैंने पूरा रास्ता बना लिया और देखो कितने सारे लंबी लंबी लाइंस बिछा रखी है मैंने, और अभी इसी पे मुझे रेलवे ट्रैक्स भी बिछाने हैं। तो बस अभी मैं आ गया हूँ विलेज नंबर 3 पे और यहाँ पे मैंने दो विलेजर पकड़ लिए और मुझे टोटल 4 विलेजर चाहिए था ना, तो अभी मैं इनकी ब्रीडिंग करा दूंगा और चारों विलेजर रेडी हो जाएंगे। तो अभी मैंने सामान ले लिया है और अभी मैं इससे जितनी भी पावर रेल और नॉर्मल रेल बना सकता हूँ मैं उतनी बना लेता हूँ। और भाई बहुत सारी रेल बना ली मैंने, इतने से काम हो जाना चाहिए। तो अब जल्दी से एक एक करके सारी रेल्स लगा देता हूँ जिससे मैं विलेजर और एवोकर्स को लेके आऊँ। तो गाइस अभी मैं रेलवे लाइन बिछा रहा था, लेकिन अभी मैंने देखा कि मेरे रेलवे के ट्रैक्स जितने भी रेल्स हैं सारे खत्म होने वाले हैं। लेकिन अभी मुझे याद आया कि एक रेल डुपर भी तो होता है जो रेल्स को डुप्लीकेट कर देता है, उसको बनाना भी बहुत ज्यादा सिंपल है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी से डुप्लीकेट कर लूँ ये सारी रेल्स को, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हो कि मैंने एक छोटा सा रेलवे डुपर बना लिया और उसको बनाना बहुत ज्यादा सिंपल था, इसके लिए कुछ ज्यादा चाहिए भी नहीं सामान। और जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे रेल लगानी और एक रेल लगानी है बगल वाली साइड में, और अब दबाना ये वाला लीवर। तो देखो जैसे लीवर दबाए भाई साहब रेलवे ट्रैक उछल उछल के जा रहे हैं, ये देखो कितनी इजीली सारे रेलवे ट्रैक डुप्लीकेट हो गए। अब ऐसे मुझे थोड़े से रेल्स लेनी है और फिर रेलवे ट्रैक को पूरा बिछा देना है। तो गाइस फाइनली मुझे जितनी भी रेल्स चाहिए थे मैंने वहां से कलेक्ट कर ली और यहाँ पे बिछा दिए। अब जस्ट मुझे इस विलेजर को पुश करना है और अब ये विलेजर चला जाएगा मेरे रेड फार्म पे, और ये बंद कर दिया अपने विलेजर नंबर 1। और अब ऐसे मुझे 3 और विलेजर भी बंद करने हैं, और अब बंद कर दिया मैंने सेकंड विलेजर, ये थर्ड भी बंद कर दिया, और गाइस फाइनली मैंने चौथा विलेजर भी बंद कर दिया। और इसी के साथ मुझे जितने भी विलेजर्स चाहिए थे मैंने सारे बंद कर दिए, और अब टाइम है एवोकर को लाने का, और उसके लिए मुझे रेड्स करानी पड़ेगी अपने पास वाले विलेज में। तो चलो फिर जल्दी से रेड्स कराता हूं। तो गाइस अभी मैं आ गया हूं पिलेजर आउटपोस्ट में और यहां पे मैं वेट कर रहा हूं एक पिलेजर कैप्टन का, जिसको मैं मार के अपने बगल वाले विलेज में रेड करा सकूं। तो गाइस इस पिलेजर आउटपोस्ट में मैं बहुत देर से खड़ा था, लेकिन यहां पे पिलेजर स्पॉन ही नहीं हो रहा, तो मुझे एक ट्रिक पता चली जिससे बहुत सारे पिलेजर एक साथ स्पॉन हो जाते हैं, तो उसी ट्रिक को मैं थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूं। तो चलो गाइस फाइनली यहां पे एक पिलेजर कैप्टन स्पॉन हो चुका है, अब जल्दी से इसको मार देता हूं और एक रेड करा देता हूं। मुझे तो उस ट्रिक को करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और यहां पे पहले से स्पॉन हो गया। तो ये मार दिया पिलेजर कैप्टन और इससे मुझे मिल गया बैड ओमन वाला इफेक्ट। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूं विलेज नंबर 3 में और रेड भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जस्ट मुझे इस रेड की 2-3 वेव्स को डिफीट करना है और फिर आ जाएगा इवोकर और उसको पकड़ के ले जाना है अपने रेड फार्म पे। तो गाइस फाइनली मैंने 3 वेव्स डिफीट कर दिए और अब आ चुका है इवोकर। जस्ट मुझे क्या करना है, सारे जितने भी बच्चे कुछ मॉब्स हैं सबको मारना है और इवोकर को छोड़ देना और उसको रेल के थ्रू ले जाना है अपने रेड फार्म पे। तो चलो गाइस मैंने सारे मॉब्स को डिफीट कर दिया, बस ये इवोकर बचा है। लेकिन इसके जो वैक्स हैं भाई इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं भाई, कई बार तो मुझे 00 नहीं फिर तो मर ही जाता। गाड़ी गाड़ी
पांच पांच ऐसे भी दस दस एचपी पे छोड़ा है भाई, मरने से जस्ट बचता हूँ। तो अब इसको फाइनली मैंने बंद कर दिया और अब इसको डायरेक्ट ले आना अपने रेड फार्म पे। तो गाइस फाइनली ये माइन कार्ट में बैठ गया और अब इसको धक्का देना है और अब ये चल दिया अपने रेड फार्म पे। हैं अबे यार यहाँ पे रेल ट्रैक लगाना भूल गया, अभी रुको जल्दी से लगा देता हूँ। तो गाइस फाइनली अपना पहला एवोकर आ चुका है और ये जा रहा है डायरेक्ट अपने रेड फार्म पे। ये क्या गाइस अपना पहला एवोकर। अब मैं इसको नेम और दे देता हूँ जिससे ये डिस्पॉन ना हो। तो इसका नेम होगा चमचा। भाई इसके चमचा ने बहुत परेशान किया लेकिन अब से ये मेरा चमचा। नहीं क्या मतलब, बढ़िया जोक नहीं था। चलो गाइस मुझे यहाँ पे दूसरा एवोकर मिल गया लेकिन मैं इसको अभी मार देता हूँ क्योंकि वैक्स बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और अगर बाय चांस कभी मैं वैक्स से मर गया तो इसको मार के मैं टोटम ऑफ अंडाइंग ले लेता हूँ। और गाइस फाइनली अब गया ये अपना सेकंड एवोकर अपने रेड फार्म पे और अब बस मुझे दो और एवोकर चाहिए और गाइस इसको भी नाम दे देता हूँ चमचा। ये क्या अपना थर्ड एवोकर, अब बस एक बचा है। और गाइस फाइनली ये क्या अपना चौथा एंड लास्ट एवोकर जो कि हमें इस रेड फार्म को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए था। अब ये जितने भी मैंने रेल ट्रैक्स बचाए मैं इनको जल्दी से उठा देता हूँ क्योंकि बहुत बुरा लगेगा ये और शायद फार्म के ड्रॉप्स पर भी इफेक्ट करे। अब बस रेड स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए एक बैड उमन का इफेक्ट और ये रेड अनलिमिटेड टाइम तक रहेगी, यानी जब तक मैं फार्म पे खड़ा रहूंगा ना ये जब तक रेड रुकेगी नहीं। कितनी सही बात है भाई। और यहाँ पे मुझे एक प्लेजर कैप्टन भी मिल गया इतनी आसानी से, और बढ़िया बात है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात कि जो आगे की रिकॉर्डिंग है उसको मैं एक्साइटमेंट में रिकॉर्ड करना ही भूल गया और अगर मेरे पास बाई चांस वो रिकॉर्डिंग होती तो मैं उसको शायद वीडियो में ना भी डालता क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में इफेक्ट लेने के बाद मैं चला गया था डायरेक्ट अपने फार्म में और उस फार्म में जाने के बाद मेरा फार्म वर्क नहीं कर रहा था जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया और उसी रीजन की वजह से ये वीडियो 3-4 दिन लेट हो गई है। बट एक बंदा मसीहा बन के मेरे लिए आया और उसने मेरी हेल्प करी जो कि था वही बंदा 1.5 घंटे का जिसका ट्यूटोरियल था। मैंने उससे हेल्प मांगी और उसने मेरी एकदम बढ़िया तरीके से हेल्प करी। तो गाइस मैं उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं चाहता हूँ आप उसको एकदम बढ़िया तरीके से सपोर्ट करो क्योंकि अगर वो बंदा ना होता ना तो ये फार्म कभी शायद वर्क ही नहीं करता। तो उसने मेरी हेल्प करी और फाइनली मैंने इस फार्म को एकदम फिक्स कर दिया और अब मैं वापस आ गया हूँ अपने वर्ल्ड में। और हाँ जब आप उसकी वीडियो पे जाके कमेंट करो तो ये और लिख देना लव फ्रॉम गेमबीट साइड, तो उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस देखो मैं तो बैड ओमन का इफेक्ट लेने आया था और अभी मेरे सामने है एक प्लेजर कैप्टन, तो जल्दी से इसको टपकाता हूं और इफेक्ट लेता हूं। तो गाइस अब अपने पास बैड ओमन का इफेक्ट आ गया, अब जल्दी से चलता हूं अपने रेड फार्म पे। तो गाइस फाइनली आ चुका है वो पल जिसका बहुत देर से हमको इंतजार था और देखते हैं रेड स्टार्ट हो जाए इस बार क्या। ओ भाई सही में रेड स्टार्ट हो गई, इसका पॉइंटर बेशक गायब हो गया लेकिन अभी भी रेड चालू है और देखो अभी मॉब्स स्पॉन होने वाले होंगे। बस मुझे क्या करना है, ये जो आर्मर स्टैंड है इसको मुझे बार बार हिट करना है और पता नहीं कैसे जो इसके पीछे जितने भी मॉब्स होंगे उनको भी डैमेज पहुंचेगा। देखो गाइस एक ही बारी में कितने सारे प्लेजर आ गए, अब बस मुझे क्या करना है इस आर्मर स्टैंड पे हिट करना है और देखो इनको भी डैमेज मिल रहा है। ये फार्म सही में बहुत ज्यादा ओपी फार्म है, इसमें एक ही बार में इतने सारे मॉब्स आते हैं। देखो भाई लाइन से कितने सारे मॉब्स आए जा रहे हैं। ये फार्म सही में इतना ज्यादा एपिक है, मैंने आज तक इस फार्म से ज्यादा एपिक फार्म नहीं देखा। बस मुझे आर्मर स्टैंड को हिट करना है, इससे मुझे काफी सारी एक्सपी मिलती है, एमरेड मिलते हैं, टोटम और भी जितनी विच का सामान होता है, प्लेजर का सामान, बाकी सब सारा सामान मिलता है मुझे। तो चलो अभी जल्दी से थोड़ी देर एएफके हो लेता हूं और चेक करता हूं कितने ड्रॉप्स ये देता है। तो गाइस अभी मैं इस फार्म पे थोड़ी देर एएफके हुआ था और चेक कर रहा था कि कितने ड्रॉप्स ये देता है, तो बाकी चेस्ट में तो मुझे कुछ सामान दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इस वाली चेस्ट से मुझे मिला था एक शल्कर बॉक्स पूरा एमरल्ड से भरा हुआ। और हाँ इस फार्म की एक बढ़िया बात बताना तो भूल गया, यहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई है जिसके अंदर मुझे डालने खाली शल्कर बॉक्स और फिर पता है क्या होगा, ये फार्म ऑटोमेटिकली उस शल्कर बॉक्स को फिल कर देगा एमरल्ड से या फिर जो भी सामान की चेस्ट होगी उससे। जैसे अगर एमरल्ड वाली चेस्ट में गया वो शल्कर बॉक्स तो वो पूरा शल्कर बॉक्स भर जाएगा एमरल्ड से, यानी कि बार बार चेस्ट नहीं भरेगी और चेस्ट को हमको खाली नहीं करना पड़ेगा, एकदम ऑटोमेटिक काम करेगा ये, जो कि इसकी और भी बढ़िया बात है। ये फार्म बहुत मस्त तरीके से काम करता है। और भाई विलेजर देखो कितने सारे एमरल्ड्स है मेरे पास, अब तो तुम्हारी ऐश ही ऐसे। अरे ये तो गिफ्ट देने लग गया मुझे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है? और गाइस देखो 3 स्टैक से भी ज्यादा एमरल्ड के ब्लॉक यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए बस 5 से 10 मिनट के एएफके के बाद, और ये फार्म एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और हाँ गाइस आपको एक और न्यूज देनी थी कि मैं ज्वाइन कर चुका हूँ डू और डाई एसएमपी में, जिसमें और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और उसकी डेली मैं स्ट्रीम करता हूँ अपने सेकंड चैनल पे, और इस वीडियो को अपलोड होने के बाद भी मैं स्ट्रीम करूंगा। तो मेक श्योर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जहाँ पे मैं डू और डाई एसएमपी की स्ट्रीम्स करता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक है 15K लाइक्स। और हाँ ऐसी और कॉन्टेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।